हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। गाइज, फाइनली मैं आ चुका हूँ मुंबई के पाली हिल इलाके में, और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं नासिर हुसैन जी का घर। दोस्तों, आपको बता दें, नासिर हुसैन जी ताहिर हुसैन के बड़े भाई थे, यानी कि आमिर खान के चाचा जी थे, और जो इमरान खान हैं उनके नाना जी थे। वो एक बहुत ही अच्छे फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक थे। जी हाँ, तो उनका घर कहाँ पर है, मुंबई में कैसा है, उस घर में कौन रहता है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने और दिखाने वाले हैं। आपको बता दें, उनके बेटे का नाम है मंसूर खान, और वो एक फिल्म निर्देशक भी हैं। जो फिल्म आमिर खान की आई थी कयामत से कयामत तक, उस फिल्म के निर्माता नासिर हुसैन जी ही थे, और उसको निर्देशित किया था उनके बेटे मंसूर खान जी ने। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं कि मुंबई में नासिर हुसैन जी का घर कहाँ पर है, और उस घर में अभी कौन रहता है, उनकी बायोग्राफी क्या है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं कि नासिर हुसैन जी का घर कैसा है और कहाँ पर है। दोस्तों, यहाँ से बस कुछ ही दूर पे उनका बंगलो है, उनका घर है, और इसके पीछे रणबीर कपूर का भी घर है। अगर आप लोग पाली हिल में आओगे तो आपको कई सारे सेलिब्रिटी का घर देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ से सीधे चलना है, ये रोड नरगिस दत्त रोड की तरफ जाएगा। चलिए बोट पे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दिलीप कुमार जी का बंगलो है, सारा बानो जी का बंगलो है। अब हमें यहाँ से इस वाले रास्ते की तरफ चलना होगा, और वो जो गाड़ियाँ आपको खड़ी दिख रही हैं उसके सामने जो आपको गेट एक दिख रहा है, वही गेट है यहाँ पर नासिर हुसैन जी का, जहाँ पर वो मुंबई में रहा करते थे। ये जो आपको दीवारें दिख रही हैं ऊंची ऊंची ये वाली, और अंदर का भी थोड़ा सा नज़ारा आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहीं पर रहते थे नासिर हुसैन जी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक थे, जिन्हें आमिर खान के चाचा के रूप में जानते हैं, जो उनके सगे चाचा हैं, जो उनके पिताजी थे ताहिर हुसैन, उनके बड़े भाई हैं नासिर हुसैन। तो यही उनके बंगलों का मेन गेट है, जिसमें अब उनके पोते यानी कि इमरान खान रहते हैं। इमरान खान वही हैं जिन्होंने मेरे ब्रदर्स की दुल्हन से अपना डेब्यू किया था, और बहुत ही शानदार वो मूवी भी रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा बंगलो है, बहुत ही प्यारा सा बंगलो है। इसी बंगलो में नासिर हुसैन जी रहते थे मुंबई के पाली हिल में। और आपको हम थोड़ा सा गेट के नज़दीक आके दिखा दें, तो देखिए ये है वो बंगलो। यहाँ पे अभी भी भारत का फ्लैग लगा हुआ है, ये 15 अगस्त के पहले से ही लगाया गया है। तो यही वो बंगला है गाइज, आपको मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा रहा हूँ। दोस्तों, नासिर हुसैन भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। दशकों तक फैले अपने करियर के साथ हुसैन को हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक प्रमुख पथजनक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 16 नवंबर 1926 को भोपाल में हुआ था, और इनकी शादी आयशा हुसैन से हुई थी। इनके दो बच्चे थे, जिनमें मंसूर खान भी एक फिल्म निर्देशक हैं, और इनकी बेटी नुजहत खान है, और इनके भाई का नाम ताहिर हुसैन था, जो आमिर खान के पिताजी थे, और ये आमिर खान के चाचा जी हैं। नासिर हुसैन के पोते और नाती के बारे में आपको बता दें, तो इनके पोते हैं इमरान खान, जिन्होंने मेरे ब्रदर्स की दुल्हन में मुख्य किरदार निभाया था और अपने करियर की शुरुआत की थी। वहीं पर जैन मैरी खान, पाब्लो खान और जैन खान भी इनके पोते और नाती हैं। अभी मैं इनके घर के साइड में आ चुका हूं, क्योंकि सामने से इनका घर अंदर का कुछ नज़ारा नहीं दिख रहा था। यहां पर देखिए, साइड से इनके घर का कुछ नज़ारा यहां पर दिख रहा है। जितनी भी वॉल का कलर किया गया है वो सब वाइट कलर से किया गया है, और ऊपर यहां पर भी ब्लू कलर की पॉलीथीन लगा के उसको ऊपर से ढका गया है, ताकि दीवारें जो हैं वो ख़राब ना हो। साइड में यहाँ पर घर के काफ़ी पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, इसलिए सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ साइड से दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर इनका एक यहाँ पर रूम है, जो कि ये स्टडी रूम है,
वह यहाँ पर बैठ के वो बहुत ही पहले किताबें पढ़ा करते थे जब थे, लेकिन अभी इस घर में, इस बंगलों में इमरान खान जी रहते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा साइड से आपको नज़ारा यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये जो नज़ारा है इस बंगलों का, ये बहुत ही शानदार नज़ारा है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा बंगलो है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस में ये बसा हुआ है और इसमें भी सारी फैसिलिटी हैं। और पाली हिल में इतना बड़ा बंगला होना कम से कम भाई 50 करोड़ के ऊपर या 100 करोड़ के आसपास इस बंगले की प्राइस तो ज़रूर होगी। और नासिर हुसैन के जो बेटे हैं मंसूर खान, जो एक अच्छे फिल्म निर्देशक निर्माता हैं, उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम है टीना खान और इनके बच्चों का नाम है जैन मैरी खान, पाब्लो खान और जैन खान, और इनकी बहन है नुजहत खान। आपको बता दें नासिर हुसैन को मसाला फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था। 70 और 80 के दशक में उनकी ऐसी कई फिल्में रही हैं जो आज भी याद की जाती हैं। और आपको हम बता दें 1948 में नासिर हुसैन ने कमल जलालाबादी के साथ बतौर राइटर का काम शुरू किया। फिल्मिस्तान प्रोडक्शन कंपनी के लिए उन्होंने कई हिट फिल्में लिखीं जिनमें अनारकली 1953 और पेइंग गेस्ट 1957 थी। और बतौर डायरेक्टर नासिर हुसैन की पहली फिल्म तुमसा नहीं देखा 1957 थी। इस फिल्म में शम्मी कपूर की मुख्य भूमिका थी। 1959 में नासिर हुसैन ने शम्मी कपूर को फिल्म देखे देखो में लिया। आशा पारेख की डेब्यू फिल्म थी ये। इस फिल्म के बाद आशा पारेख ने नासिर हुसैन की कई फिल्मों में काम किया। पहली फिल्म के वक्त आशा पारेख की उम्र केवल 17 साल थी। काम के दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। लंबे रिलेशनशिप के बाद आखिरकार आशा पारेख ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे। आशा पारेख नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से किसी का घर टूटे। एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने कबूल भी किया था कि उन्होंने जिंदगी में सिर्फ नासिर हुसैन से ही प्यार किया है। नासिर से रिश्ता टूटने के बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। आशा पारेख ने बताया था कि मेरी माँ हर हाल में मेरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मेरा मानना था कि जब तक कोई मनपसंद नहीं मिल जाए तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। ना ही मुझे कोई मिला और ना ही मैंने शादी की। नासिर हुसैन रिश्ते में एक्टर आमिर खान के सगे चाचा लगते थे। नासिर हुसैन के बेटे मंसूर खान ने ही आमिर के लिए फिल्म कयामत से कयामत तक 1988 और जो जीता वही सिकंदर 1992 डायरेक्ट किया। कयामत से कयामत की कहानी और डायलॉग नासिर हुसैन ने लिखे थे। यह दोनों फिल्में आमिर के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए नासिर हुसैन को 1996 में फिल्म फेयर का स्पेशल अवार्ड दिया गया। और आपको बता दें कि नासिर हुसैन की मृत्यु 13 मार्च 2002 में मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। आपको बता दें हुसैन की पत्नी मार्गरेट फ्रांसिना लुइस थी, जो एक सहायक कोरियोग्राफर थी, जिनसे उनकी मुलाकात फिल्मिस्तान में हुई थी। उन्होंने शादी की और फिर अपना नाम बदलकर आयशा खान कर लिया। उन्होंने उनकी कुछ प्रस्तुतियों में सहायक कोरियोग्राफर के रूप में काम किया। नासिर हुसैन की कुछ निर्देशक के तौर पर फिल्मों के नाम हम आपको बता दें, तुमसा नहीं देखा, दिल दे के देखो, फिर वही दिल लाया हूँ, जब प्यार किसी से होता है, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवा, यादों की बारात, आंगन, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है, मंजिल मंजिल, जबरदस्त, इन सभी मूवी में वो निर्देशक के तौर पर काम कर चुके हैं। तो नासिर हुसैन पहले इसी बंगले में रहा करते थे, पहले ये उन्हीं का बंगला हुआ करता था, लेकिन अभी इसमें उनके पोते यानी कि इमरान खान रहते हैं और अब ये बंगला इमरान खान का है। तो गाइज देख सकते हैं आप लोग कि ये जो बंगला है मैंने आपको दिखाया, ये मुंबई के पाली हिल में स्थित है। और मैं यहाँ पर नासिर हुसैन के बारे में जो भी बायोग्राफी है
सब कुछ बता दिया हूँ और उनके बंगले को भी दिखा दिया हूँ जहाँ पर पहले वो रहा करते थे। और उम्मीद करूँगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।